हैं कि आर्यन खान ने ड्रग्स लेने की बात कबूल की है। एनसीबी की पूछताछ में जो कबूलनामा है उसमें आर्यन खान ने कहा है मैंने ड्रग्स ली, जूते में ड्रग्स छिपा कर लाया था। अरबाज मर्चेंट जिसे एक और गिरफ्तारी हुई है अरबाज मर्चेंट की, उसके बारे में बताया जा रहा है वो जूते में ड्रग्स छिपा कर लाया था। एक आरोपी ने आइलेंस कवर जो होता है उसमें ड्रग्स छुपाई थी। अब आप सोचिए कि स्मार्टनेस देखिए इनकी उम्र क्या होगी, महज 19 साल 20 साल, कहां से आता इतना हौसला। मेरे साथ हितेन लगातार बने हुए, रजनीश लगातार बने हुए। रजनीश क्या खबर है, अपडेट क्या? देखिए माधुरी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पूजा गैंग के समर्थन में जो लोग हैं वो कभी नहीं मानेंगे चीज गलत हुई। हाँ। पहली बात, अब तीन बातें जो अभी जो हमें एनसीबी के सूत्र जो मिले थे उनसे मिली है, उनमें पहली बात ये थी कि आर्यन जो है वो बाहर से ड्रग्स लेके आया था, यानी वो पहले से ही ये प्लान बन चुका था कि मुझे पार्टी में जाके ड्रग्स लेनी है। हाँ। यानी कि आर्यन प्री प्लान था, ये सब कुछ प्री प्लान था, ऐसा नहीं था कि आर्यन को पार्टी में ड्रग्स मिला, पहली बात। दूसरी बात यह है कि एनसीबी ने जब 8 लोगों के मोबाइल चेक किए तो उन मोबाइल से कई मैसेजेस और कॉल डिटेल ऐसी मिली हैं जिनसे एनसीबी को यह पता चलता है कि ये लोग ड्रग्स आज पहली बार नहीं लिए बल्कि इससे पहले कई बार ले चुके हैं और कई बार मंगवा चुके हैं। तीसरी बात कि उन किन लोगों से ये मंगाई गई थी, उनमें से 2 से 3 लोगों के नाम जो है वो एनसीबी को पता चल चुके हैं, हालांकि हमें भी पता है लेकिन जब तक पुष्टि नहीं हो जाती तब तक वो कहना बहुत जल्दबाजी होगी उन नामों को लेकर। और यही कारण है कि एनसीबी लगातार मुंबई में जगह छापेमारी कर रही है, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है, लोगों से पूछताछ भी चल रही है। तो ये तीन बातें अभी की अपडेट है, पहला कि आर्यन खान बाहर से ड्रग्स लेके आया था, दूसरी बात कि ये लोग वो इनके मोबाइल से कुछ ऐसी डिटेल्स मिली हैं जो एनसीबी को, जो हमारे सोर्स कंफर्म कर रहे हैं कि जिससे ये कंफर्म हुआ है ये लोग अब से नहीं बल्कि बहुत पहले से ड्रग्स ना सिर्फ ले रहे हैं बल्कि कई बार इन्होंने ड्रग्स मंगवाई भी। तीसरी, एनसीबी को 2 से 3 नाम ऐसे पता चले हैं जिनसे ये लोग संपर्क में थे लगातार, अब उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई एनसीबी करेगी। माधुरी बिल्कुल, इस वक्त एक और अहम खबर भी आ रही है कि एनसीबी की कार्रवाई को लेकर ही एनसीबी पिछले 15 दिनों से इस ऑपरेशन की तैयारी कर रही थी और एनसीबी की टीम में 20 से 22 लोग मौजूद थे। सर्च वारंट के साथ एनसीबी की टीम निकली थी ताकि कोई भी तरह की उनको जानकारी पूरी से पूरी तरह मिल पाए। आपको बता दें कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो एक नोडल एजेंसी है ये उन्होंने कार्रवाई की है, सर्च वारंट के साथ निकली थी। हितेन अपडेट। बिल्कुल माधुरी, देखिए 15-20 दिनों पहले पूरी एक इंफॉर्मेशन सेंट्रल एजेंसी की तरफ से एनसीबी को मिली थी, उसी आधार पर एनसीबी ने पूरी तैयारी करके जो है ये छापेमारी की थी और सबको रंगे हाथों पकड़ा है। देखिए माधुरी, एक अभी सबसे बड़ी अपडेट आपको बता दूं, जो आर्यन खान का अरेस्टेड मेमो है वो ये बता रहा है कि आज दोपहर 2 बजे आधिकारिक तौर पर आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया। हाँ। और सिर्फ कंजम्पशन नहीं बल्कि आर्यन खान की गिरफ्तारी जो की गई है इन्वॉल्वमेंट ऑफ कंजम्पशन सेल एंड परचेस ऑफ कॉन्ट्राब्रांड अरेस्टेड इन कनेक्शन विद सीजर ऑफ 13 ग्राम कोकेन मिला है आर्यन के पास से, 5 ग्राम MD, 21 ग्राम चरस और 22 गोलियां मिली है MDMA की, उसके साथ साथ 1,33,000 रुपये कैश भी जो है आर्यन खान से बरामद किया गया है। यानी कि पूरा का पूरा मामला सिर्फ ड्रग्स कंजम्पशन का नहीं है, आर्यन खान अपने चेहरे का अपने रुतबे का कहीं ना कहीं एक इस्तेमाल करके उस रेव पार्टी में ड्रग्स को सेल करने भी पहुंचा हुआ था, ये भी कहीं ना कहीं आर्यन खान का अरेस्टेड मेमो ऑफिशियली बता रहा है, जो एनसीबी की तरफ से जो मेमो बनाया गया है आर्यन की गिरफ्तारी का उसमें ये लिखा हुआ है।